हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, माय नेम इज शांभवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग यहाँ पर सस्पेक्टिव चैप्टर नंबर 7 दैट इज आर कंट्री इंडिया फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इसके हम लोग आज यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है, सो इसको ऑलरेडी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एज वेल एज समरीज के हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको वीडियोज रेफर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है, आप उसमें जा करके वीडियोज को रेफर कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। सो एक्सरसाइजेस यहाँ पर तीन फॉर्म्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द फॉलोइंग, देन वी हैव टेक द करेक्ट आंसर्स, थर्ड वी हैव हियर द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ग्रेट, सो जस्ट लेट मी क्विकली टेक द पेन। राइट, हियर लेट्स गेट स्टार्टेड आउट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया के जो भी मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं, वी हैव टू राइट आउट द नेम्स फॉर दैट। ओके, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द आंसर, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप उनको एक बार खुद ट्राई करें सॉल्व करने की। सर, अगर आप इसको खुद ट्राई आउट करोगे तो आपको एक ये आइडिया मिलेगा कि कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पर आप फंस रहे हो, डाउट हैं, तो आप उनको आगे वीडियो पर वॉच करके अपने आंसर्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं। फर्स्ट वन इज द हिमालयाज, देन यू हैव द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ठीक है, आई वुड अगेन रिपीट, वी हैव 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फर्स्टली इज द हिमालयाज, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ठीक है, ये हमारे 5 रिस्पेक्टिव मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, होप दिस आंसर इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज नेम्ड। अब कौन सी 7 कंट्रीज है जिससे इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करती है? तो वी हैव 7। फर्स्ट वन इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, सो ये चीज़, ये जो आंसर है ये आपको यहाँ पे मैप में भी मिल जाएगा। वन सेकेंड, यहाँ पे एक डिटेल मैप भी था यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, कौन कौन सी कंट्री से इंडिया बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो मैंने भी सारे बताए, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, ग्रेट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड, विच टू मेजर रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी। जब मैंने डिस्कस किया था सस्पेक्टिव चैप्टर को डिटेल में, तो मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था उसमें कि सिर्फ ऐसी 2 रिवर्स हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जाकर ड्रेन आउट होती हैं अरेबियन सी में। अदर दैन दैट, जितनी भी रिवर्स हैं सारी की सारी ईस्ट डायरेक्शन में जाकर ड्रेन आउट होती हैं, दैट इज़ इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो अरेबियन सी में जो 2 रिवर्स ड्रेन आउट होती हैं, दैट आर योर, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि आंसर इसका बहुत शॉर्ट सा है, नर्मदा एंड सेकेंड इज द तापी। ठीक है, तो नर्मदा और तापी ये 2 ऐसी रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में जाके ड्रेन आउट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू जो डेल्टा फॉर्म होता है उसका नाम लिखें। सो दैट इज सुंदरबन डेल्टा, मैं इसको आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, सुंदरबन एंड हियर गोज योर डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा इज अ डेल्टा विच इज फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की हेल्प से वी फॉर्म द डेल्टा विच इज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ग्रेट। How many states and union territories are there in India? Which states have a common capital? अब in total कितने states और कितने union territories हैं India में, और ऐसी कौन कौन से states हैं जिनका capital similar है, मतलब same है जिनका capital। ठीक है, तो first of all we have 29 states। ठीक है, in total we have 29 states। About the union territories, so we have 9 union territories, 9 union territories। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कि इस कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। नेक्स्ट, कोर्स विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। अब कौन से स्टेट्स हैं जिनके कैपिटल्स कॉमन होते हैं? ठीक है,
तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, अब इस चीज़ को आप यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इसको याद रखें कि पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कि कैपिटल सेम है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, फाइन। नेक्स्ट, वाई डू लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नदन प्लेन्स? अब नदन प्लेन्स में लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्यों रहते हैं? क्यों? बिकॉज नदन प्लेन्स में जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी, उसमें लैंड जो होता है बहुत फर्टाइल होता है। तो अगर फर्टाइल लैंड है तो ऑब्वियसली सी वहाँ पे कल्टिवेशन बहुत अच्छा होगा, राइट? तो फर्टाइल लैंड और उसमें कल्टिवेशन बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव अप इन द नदन प्लेन्स। ठीक है, तो ये रीज़न है कि बहुत सारे लोग नदन प्लेन्स में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव बिकॉज रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, ग्रेट। ओके, दिस इज आज वेल डन। दिस, वाई इज लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड? अब लक्षद्वीप जो है उसको हम लोग कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोरल से फॉर्म हुआ है। वॉट आर कोरल्स? तो कोरल्स जो होते हैं वो जो छोटे छोटे मरीन एनिमल्स होते हैं, जो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जिनको पॉलिप्स कहते हैं, POLYPS, पॉलिप्स। ठीक है, जो छोटे छोटे टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, वो होते हैं पॉलिप्स। तो जो कोरल्स होते हैं वो उनके स्केलेटन्स से मिलके फॉर्म होते हैं, टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं, उनके स्केलेटन से मिलके कोरल्स फॉर्म होते हैं। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एक कोरल आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कोरल्स से मिलके फॉर्म आउट हुआ है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कोरल्स, दैट इज़ द रीजन दैट कि हम लोग लक्षद्वीप वी नोन एज अ कोरल आइलैंड। ठीक है, ग्रेट। होप सो ये आंसर्स आपको सारे के सारे क्लियर है जितने मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 7। ओके, ग्रेट। अब वी हैव द टेक द करेक्ट आंसर्स। ओके, द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, अब जो सदर्न मोस्ट हिमालयाज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट, सो द फर्स्ट आंसर फॉर दिस इज शिवालिक्स। ठीक है, इसको आप याद रखिए, मैंने जब डिटेल में इसको स्टडी आउट कराया था तब भी मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। ठीक है, तो जो सदर्न मोस्ट हिमालयाज हैं दैट आर नोन एज शिवालिक्स। ठीक है, ग्रेट। सयाद्रीज इज ऑल्सो नोन एज, अब यहाँ पे जो सयाद्रीज है वो किसका अदर नेम है? सो सयाद्रीज आर द अदर नेम्स फॉर द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का अदर नेम होता है सयाद्रीज। ठीक है, द पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन विच कंट्री? श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स। सो द पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक पार्क स्ट्रेट लाई करता है। ठीक है, वन सेकेंड, द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज, ओके, द इंडियन आइलैंड्स और अरेबियन सी में उसको क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव्स। आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो जो इंडियन आइलैंड जो अरेबियन सी में है दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। अब अगर आप उधर पे इंडियन ओशन की बात करोगे सो इन दैट वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ग्रेट। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालय इन द सॉरी द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, कितना, लाइक अबाउट व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि नॉर्थ टू साउथ का बताना है या वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट किसका बताना है। सो हम लोग एक कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो कंप्लीट वी हैव 3.28 मिलियन स्क्वेयर मीटर मीटर। ठीक है, सो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वेयर मीटर। अब यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया गया था नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट और वॉट, सो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे ये कंप्लीट एरिया मेंशन आउट करेंगे। ठीक है, ओके, वन सेकेंड, आई एम सो सॉरी, इट्स अ स्क्वेयर, ओके, लेट मी टू, ग्रेट। द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज,
अब ग्रेटर हिमालयाज को हम लोग और क्या कहते हैं? सो ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री. ठीक है, अनदर नेम फॉर द ग्रेटर हिमालयाज इज हिमाद्री. ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, एरिया के टर्म्स में जो लार्जेस्ट स्टेट इंडिया में है वो कौन सी है? अगर एरिया के टर्म्स में बात करें तो दैट इज राजस्थान. दैट इज राजस्थान. सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. ठीक है, ग्रेट. द रिवर नर्मदा फॉल्स इन टू द, अब जो रिवर नर्मदा है वो किस उसमें फॉल करती है, किस सी में फॉल करती है? ठीक है, सो रिवर नर्मदा फॉल्स अप इन टू द अरेबियन सी. अरेबियन सी, ओके वन सेकेंड. मैंने इधर पे कहीं पे, हाँ मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इन विच टू मेजर रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी, नर्मदा एंड तापी, राइट? तो यहाँ पे द रिवर नर्मदा फॉल्स इन द, सो वही सेम आंसर रहेगा, दैट इज अरेबियन सी. ठीक है, ग्रेट. द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, जो लैटिट्यूड जो हाफ वे थ्रू इंडिया रन करता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया. ठीक है, ग्रेट. तो यहाँ पे हम लोगों ने इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, देन वी डिस्कस अबाउट द टेक द करेक्ट आंसर्स, और फिर हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया. अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करें और सारे सारे क्वेश्चंस को फिलअप करें. तो अब आपने जब आंसर्स करे होंगे तो मे बी आपके सारे आंसर्स सही होंगे, या एक आध आंसर इधर लाइक थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा. तो होपफुली कि आपने उनको यहाँ से वेरीफाई कर लिया होगा और जो भी मिस्टेक्स थी आपने उनको रेक्टिफाई कर लिया होगा, राइट? तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट चैप्टर होता है फिनिश विद द एक्सरसाइजेस एज वेल, विच इज चैप्टर नंबर 7, आर कंट्री इंडिया. सो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स को पढ़ा, राइट? सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.